छोड़ो, यह मेरी चॉकलेट है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा, यह मेरी चॉकलेट है। तुमने क्या कहा? यह क्या है? ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही रोचक चुनौती में आ गए हैं। चलो देखते हैं कि कौन पहले जाएगा। रॉक पेपर सीजर। मैं जीती, इसका मतलब मैं अपनी ट्रीट्स को पहले खाऊंगी। वाह, ओरियोस, मुझे ये बहुत पसंद है। सभी को ओरियोस बहुत पसंद होते हैं, खास करके इसका क्रीम। यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ओरियो खुद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन यह सफेद परत है जो कुकीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम क्या कर रही हो? यह बहुत ही मोटा ओरियो है। मुझे यही चाहिए था। सोचो यह कितना स्वादिष्ट हो जाएगा जब मैं इसे चॉकलेट में डुबाऊंगी। वाह, तुमने कितनी जल्दी इसे खा लिया। देरी क्यों, अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। अरे नहीं, वहाँ कुछ रेंग रहा है। अजीब, मुझे जादू की छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैं जादूगर नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरे बाल वापस लाओ जल्दी। रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि यह बाल तुम्हें सूट कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने बाल चाहिए। यह क्या है? लो, अब हो गया। अब उम्मीद है छड़ी मुझे कुछ स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी। ओह, तिलचट्टा। अगर यह छड़ी नहीं होता तो मुझे डर लगता, लेकिन जादुई छड़ी की वजह से मुझे पता है कि यह कॉकरोच अब चॉकलेट का बन गया है, इसलिए इसे मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ। क्या तुम्हारे टी शर्ट पर जो कॉकरोच है वह भी चॉकलेट का है? पता नहीं, यह तो असली है। इस बार मैं पहले ढक्कन उठाऊंगा। वाह, लॉलीपॉप। अरे, उसके अंदर एक गंदी मिर्च है। शायद इस बार भी मोनिका को ही पहले शुरू करना चाहिए। हाँ, वाह, मेरे पास किसी प्रकार की सिरिंज है और अंदर कुछ रंगीन है और मुझे आशा है यह स्वादिष्ट होगा। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। इस जेली को अब केवल चॉकलेट के साथ मिलाना है। शायद इसे प्लेट पर करना बेहतर होगा। वाह, तुम्हारा स्लाइम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है, यह जेली है। वैसे बहुत स्वादिष्ट, और चॉकलेट के साथ यह और भी स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। वाह, सुंदर और स्वादिष्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बधाई हो मोनिका। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा लगभग हो गया है तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे अब खाना होगा। शायद यह लॉलीपॉप असल में स्वादिष्ट हो। मैं सही था, यह स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा चॉकलेट डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यह लाजवाब है।
ये स्वादिष्ट है, तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं ये ठीक है, ये आसान है। ओह ओह कितना तीखा। जैक मैं तुम्हें अभी बचाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से जल जाता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मुझे जानना है कि इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, मुझे एक आईफोन मिला है और इसमें पॉपिट कवर भी है। वाह, आशा है कि मुझे भी कुछ उतना ही बढ़िया मिलेगा। ओ नहीं, कितना भयानक। मुझे समुद्री जीवों से नफरत है, खासकर ऑक्टोपस से। जरा देखो यह कितना गंदा दिख रहा है। मुझे आशा है कि कम से कम चॉकलेट इस गंदगी का स्वाद बदल देगी। खाना खाओ। तुम्हारी वजह से मैं टिकटॉक पर फेमस हो जाऊंगी। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे फेमस होने दो। क्या ऑक्टोपस स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं, ये सिर्फ भयानक है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फोन को चॉकलेट में डुबोना है? हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। अलविदा मेरा नया आईफोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। अरे लगता है कि आईफोन को भी तुमसे प्यार हो गया था। Awesome! सेब, ये स्वादिष्ट और स्वस्थ है। Yeah! प्याज, यह स्वादिष्ट नहीं है, हालांकि यह पौष्टिक है। छी। अलग अलग टॉपिंग से सेब को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, यदि इसे चॉकलेट में डुबाएं और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। तो एक साधारण सेब बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। यह शानदार लग रहा है। अब इसमें स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। कैसा है, स्वादिष्ट? हाँ, बहुत। मैं खुश हूँ। चॉकलेट के साथ सेब, यह स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक स्वादिष्ट टॉपिंग। ये बहुत खूबसूरत है। ओ, वो तुम्हारे होठों पे लग गए हैं। अब तुम भी सेब की तरह दिख रही हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैं और भी मीठी हो गई हूँ। और तुम हंसो मत, तुम्हें तो अब प्याज खाने होंगे। ओ हाँ, वो गंदा प्याज मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही आइडिया। मोनिका ने उन टॉपिंग्स की इतनी प्रशंसा की तो यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे आशा है कि वे मुझे प्याज के स्वाद से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। Yeah! Yeah!
मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के स्वाद को कुछ भी नहीं दबा सकता। आओ पता लगाते हैं, शायद तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। यह बहुत खराब है। नहीं, कितनी बदबू आ रही है। तो मैं सही थी, मेरे मुंह में कूड़ेदान जैसी बदबू आ रही है। तत्काल कुछ करने की जरूरत है। कम से कम चॉकलेट से थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जैक, आज तुम्हारी किस्मत खराब है और अब तुम्हारे पास एक चॉकलेट दाढ़ी भी है। तो क्या मुख्य बात यह है कि अब गंदा प्याज नहीं खाना पड़ेगा। मल्टी डू चैलेंज को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे मजेदार वीडियोस को मिस ना करें।